हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये सेटेलाइट मीटर। जी हाँ दोस्तों, ये एनालॉग मीटर है। दोस्तों, इस मीटर से बहुत ही आसानी से आप लोग डीटीएच का सिग्नल मिला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा दोस्तों ये एनालॉग मीटर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये एनालॉग मीटर। इस मीटर से बहुत ही आसानी से सेटेलाइट को ट्रैक कर सकते हो। ऑन एयर सेटेलाइट, जो भी सेटेलाइट सेट करना चाहते हो, इस सेटेलाइट से बहुत ही आसानी से हो जाएगा सेट। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलती रहेगी। दोस्तों, इस चैनल पे आपको 100% दोस्तों आपको रियल वीडियो मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कि कैसे हम आपको सभी सेटेलाइट को एक एक करके आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। और ये दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे एलएन भी लगा हुआ है, और ये है सेटेलाइट मीटर फाइंडर दोस्तों, जो की मॉडल है सॉलिड SF45। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात कर ले तो 250 से 300 रुपया में बहुत ही आसानी से लोकल मार्केट या ऑनलाइन भी खरीद सकते हो इस मीटर को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे इस छतरी को यहाँ पे हम ये जो सर्विस केबल है यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सर्विस केबल है यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे रिसीवर लिखा है, और यहाँ पे LNB, तो ये LNB है। तो इसका जो वायर आता है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे एक तरफ, और एक तरफ रिसीवर का वायर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि कैसे दोस्तों DTH का सिग्नल मिलाते हैं। ये हो गया, उसके बाद ये वाला रिसीवर में लगेगा। तो रिसीवर के जगह हम यूरिक का मीटर जो है इसका यूज करेंगे, सेम पोजीशन है, लेकिन हम यूरिक से केवल यहाँ पे केवल कनेक्शन करेंगे दोस्तों, देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों हमारा ये लग चुका है, और देखिए LNB का पोजीशन यहाँ पे बता दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां पे ये साउंड बोलेगा वहीं पे इसको रखना है। देखिए ध्यान से, देखिए 4 नंबर पे ये बोल रहा है। देखिए मीटर की आवाज आ रही है 4 नंबर पे। और दोस्तों, सबसे पहले ये LNB चेक करके दिखा रहा हूं। देखिए LNB की आगे मैं हाथ लगाऊंगा तो देखिए 7 पे चला गया कांटा, जैसे ही हटाया तो कम हो गया। तो इसका मतलब ये LNB चेक कर सकते हो, तो इसी से चेक कर लो, LNB चेक कर सकते हो इसी मीटर से। चलिए अब आपको पहले, सबसे पहले 108 पॉइंट यानी एयरटेल सेट करके दिखाएंगे। तो एयरटेल का जो स्क्रू एंगल होता है वो इतना होता है। तो चलिए सबसे पहले एयरटेल के सेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ से इधर करेंगे और डाउन करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख सके मीटर में। देखिए दोस्तों, देखिए ये दोस्तों एयरटेल है। देखिए कांटा उठ गया है, और जैसे ही डाउन किया मैं छतरी यहाँ पे, तो देखिए ये गिर गया। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, देखिए ये है एयरटेल। और फ्री डिश सेट करने के लिए इसको स्क्रू एंगल को -25 पे करना है। देखिए ये एयरटेल है, और यहाँ पे करेंगे, देखिए ये फ्री डिश है। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिग्नल दिख रहा है आपको, और डिश टीवी भी यही है दोस्तों, यही डिश टीवी का है, और टाटा स्काई का सिग्नल मिलाएंगे। तो इसको सीधा कर देना है, एकदम सीधा नीचे की तरफ, और उसके बाद देखिए ये DD फ्री डिश का है,
देखिए ये टाटा स्काई का है 100% दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये टाटा स्काई का है, देख सकते हैं मीटर में भी देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एकदम 110% गया है कांटा। देखिए कांटा गिर गया, जैसे ही फिर छतरी को उठाऊंगा, देखिए ये है डिश टीवी, सॉरी दोस्तों टाटा स्काई का। अब चलिए वीडियोकॉन के सेट करते हैं, तो वीडियोकॉन का हल्का सा पूरब की दिशा में घुमाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, देखिए हल्का सा उठा। तो दोस्तों वीडियोकॉन का जो सेटेलाइट होता है ना उसमें थोड़ा सा जो कांटा होता है वो उठता है, ज़्यादा नहीं उठता है, थोड़ा सा कांटा उठता है, तो उसी के माध्यम से आप लोग छतरी को सेट कर पाओगे। तो यही थी छोटी सी जानकारियाँ दोस्तों, तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।